मैं तेरी धौन भांजनी है जिते तू टाई बनने वो भांजनी है। जो नशे ही हैं हमारे, जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, चर्स वाले, पाउडर वाले, वो कैसे चलते हैं मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। और वो गाना कौन सा गाते हैं, साढ़े अंग अंग विच चर्स न पींगा पाइया ने, मैं दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइया ने, उरैया नी चरस दिए डलिए तेन तली उत्ते रख के मलिए, मेरा एक पाही ते दो मेरिया परजाइया ने, वे मैं दुनिया तो चोरी चोरी वारियां लाइया। ये मेरी एक्टिंग थी जी, ये एक ड्रामे में मैंने ये रोल किया था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अलबेला साहब भी थे मेरे साथ, ठीक है। आप मेरी बनाई हुई चीज़ों को खाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ल, आपको मज़ा भी आएगा। और आप मैं बना लेता हूँ, अंडा चने बनाता हूँ और पाए बनाता हूँ, बिरयानी, सिंधी बिरयानी, चिकन सिंधी चिकन बिरयानी और तहदार बिरयानी, दम पुख्त बिरयानी, ठीक है जी, और कश्मीरी दाल चावल, और इसके अलावा सिरी पाए, छोटे बड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आप खाएंगे ना आप कहेंगे कि वाकई कारी साहब आपके चनों का मज़ा आया। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश बोंग शाहिद साहब ने तैयार की है। ये रोज़ाना सुबह यहाँ पर ताज़ी बोंग तैयार करते हैं लोग, जिनके नज़ला ज़ुकाम है, खांसी का मसला है, वो इनसे बोंग का शोरबा पीते हैं और उनके ये मसले दूर हो जाते हैं। और जिसकी कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो भी ये बोंग सुबह इनसे खा सकता है आके। सर आप डेली फ्रेश बोंग बनाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, किस तरह से बनती है ये? हम रखते हैं ईशा के बाद तकरीबन फजर तक हल्की आँच में, इसको बॉयल करके ना हल्की आँच पर रख देते हैं, तो ये सारी रात पकती रहती है। अली भाई इसमें जायका भी निकलता है, इसमें तकरीबन इतने मसाले डले हुए हैं कि लोगों को मज़ा आ जाए, ठीक है। जो जो लोग पीते हैं, किसी को नज़ला है ये शोरबा पिए इसका, ठीक है। और कमर में कमर दर्द, जोड़ों दर्द, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम शाहिद साहब के साथ मौजूद हूँ, जो कि एक पुराने टीवी आर्टिस्ट रहे हैं और कई ड्रामों में ये काम करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपनी फील्ड छोड़ के अब इन्होंने ये चने और ये बोंग का सालन लगा लिया है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान है सर, आपका तो ड्रामों में अच्छा भला काम चल रहा था, फिर आपने ये चने और ये सालन लगा लिया। वो मेरा एक शौक था और वो जब लाइन चेंज होगी मैंने कहा यार रिज़्क़े हलाल के लिए क्या करना चाहिए, फिर मैंने उसके लिए ये फील्ड है इसको चूज़ किया और मैंने नाश्ते का। सर आप तकरीबन कितने को ड्रामों में काम करते रहे, क्या क्या नाम था उन ड्रामों का? काफ़ी ड्रामों में काम किया है, चंद का मैं नाम लेता हूँ, जैसे मशहूर हैं जो जंजालपुर है, रास ड्रामा पंजाबी था, ठीक है, और स्टेज प्ले में मौत किस्तों पर, और बबलू की शामत, ठीक है, मैंने हाजी अलबेला साहब के साथ भी काम किया है, ठीक है। अल्लाह उन्हें जन्नत दे। ये सालन का काम कब से कर रहे हैं आप? सालन और चने, चने और सालन का मैं चार साल से ये काम कर रहा हूँ, चार पाँच साल से। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जो स्टेज पे और ड्रामों में काम करते हैं, वो शुरू में बड़े मशहूर होते हैं लेकिन बाद में उनका बड़ा हालात उनके ख़राब हो जाते हैं, घरों में बीमार पड़े देखे हमने। देखें जी बात यह है कि जब इनके पास पैसे आते हैं ना तो ये कहते हैं आज ही खा लो, सेविंग नहीं करते ये, ठीक है, हालांकि सेव करके चलना चाहिए अपने आप को। और दूसरे नंबर पे ये बहुत बड़ी बात है कि लोग ना इस तरह खड़े होकर काम भी नहीं करना चाहते कि हाय हमें कोई देखेगा बिस्ती हो जाएगी। नहीं मैंने ये शर्म महसूस नहीं की है, मैंने ये काम किया, अल्लाह ताला ने मुझे रिजक दिया, मुझे इसका पकाने का मज़ा आया, लोगों को अच्छी चीज़ खिलाने का मज़ा आया, और मैंने देख लिया आपके सामने ही है मैं कर रहा हूँ। और किस किस्म की एक्टिंग कर लेते हैं आप, एक्टिंग तो करके दिखाएं। मैं आपको एक एक्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये जो हमारे फकीर हैं ना, जो आर्टिफिशियल फ़कीर हैं, ये किस तरह अपने स्टाइल बनाते हैं, किस तरह इन्होंने मांगना है। सर आप जंजालपुरा वाले महमूद साहब के साथ भी काम करते रहे, उसका क्या रोल था उनका? जी वो ख्वाजा सरा बने थे, ये जो नसीम विकी है ये भी ख्वाजा सरा बना था इसमें, ठीक है, ठीक है। अब महमूद साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी हुई है, ये अपना जो नसीम विकी भाई हैं इन्हें भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी हुई है, ठीक है, अल्लाह ताला इनकी इज्जत। पैगाम देना चाहते हो लोगों को? पैगाम यही देना चाहते हैं लोगों को कि भाई आप अगर काम कर रहे हो ना तो अच्छा काम करो, लोगों को अच्छी चीज़ खिलाओ,
आप मिलावट वाली चीज़ मत खिलाओ। अगर आपकी चीज़ बच जाती है तो वो घर लेके फ्रीज करके दोबारा अगले दिन रिफ्रेश करके ना दो लोगों को, क्योंकि इसमें जरासीम भी हो जाते हैं। ठीक है सर, मैंने देखा कि आप लोगों को मोड़ते नहीं है, अगर कोई माड़ा बंदा आता है आप उसको 20-30 में भी खिला के भेज देते हैं। इसी से अल्लाह ताला बरकत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मेरे पास आके कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मेरे मालक की करम नवाजी है कि वो मुझे आके कहता है। हज़ारों अड्डे लगे हुए हैं, उन्हें ले जाके कहते हैं, मुझे कहते हैं, मैं उन्हें भी खिला देता हूँ। कोई 10 रुपये देता है मैं उसे भी खिला देता हूँ, कोई 20 देता है मैं उसे भी खिला देता हूँ, क्योंकि ये रिज़क का वादा तो अल्लाह ने किया, तो हम कौन से होते हैं किसी को रोकने वाले। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक जी। मोहम्मद फारूक, क्या काम करते हैं? रक्षा ड्राइवर हूँ। ठीक है, तो डेली यहाँ से चने खाते हैं? हाँ जी, नाश्ता यहाँ से ही करते हैं, बाहर के रहने वाले हैं, और अच्छा नाश्ता मिलता है, ताज़ा मिलता है, और 60 रुपये में नाश्ता मिल जाता है। आपने और भी कई जगहों चने खाए होंगे, इनके चनों में क्या मुनफरद बात है? इसमें लज्जत बहुत है, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। सबसे बेहतर काम इनका ये है कि ताज़ा काम है। सही है, रात वाले चने नहीं रखते, डेली फ्रेश होता है। हाँ, डेली फ्रेश होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? कामरान। अभी आप बोंग खा रहे हैं इस टाइम? जी, सर्दी बहुत ज़्यादा ना इसलिए। अच्छा अच्छा, तो कैसा टेस्ट लग रहा है आपको इसका? बहुत अच्छा, रोज़ाना चाचे से हम खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, रोज़ाना ताज़ा खाना मिलता है, साफ सुथरा खाना मिलता है। तो आप यहाँ पास ही रहते हो या दूर से आते हो? मैं शाहदरा रहता हूँ। शाहदरा से माशाल्लाह यहाँ खाने आते हैं। जी जी, आपने और जगह भी ये बोंग खाई होगी, इनकी कोई बेहतर है इनसे सबसे? ये चने भी इनके सारा टेस्टी है, पर ये सर्दियाँ ज़्यादा थी ना इसलिए। बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम मौजूद था लाहौर रेलवे स्टेशन पर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हो, क्रिएटिविटी हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, या अगर आप दुखी और परेशान हैं, तो हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकअल्लाह खैरन।